शनि कांत, ऐसे मास्क पहन के अगर तुम डीपी लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम हो कि कोई और है? फोटो से इन्फेक्शन नहीं होता है, फोटो और फोन पे इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो डीपी हो तो डीपी ऐसा होना चाहिए कि दिखे, तुम दिखो हमको। दीपक कुमार वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक हम लोग का सेमी कंडक्टर, ठीक है? तो सेमी कंडक्टर शुरू करें उसके पहले ये बताओ, कंडक्टर को कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग? एक एक करके हाथ, जैसे तुमको बताया ना, हैंड रेस करो, अलाउ करेंगे फिर तुम बोलना, है ना? ये जवाब बहुत लोगों को आता होगा, सब लोग एक साथ बोल लोगे तो मछली मार्केट बन जाएगा, है ना? कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे ये सबसे पहले हैंड रेस करो अगर जो बोलना चाहते हो, और गलत सही मत देखो, जो जानते हो बोलो, है ना? केबीसी के सीट पे तुम नहीं हो, बार बार बोलते हैं, हाँ बोलो। इट इज कंडक्टर, वेरी गुड। उधर कोई बोलना चाहता था? सेम नहीं बोला जाता है, तुमको बोलना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आगे तो लिख दो क्या कि जैसे आगे वाले का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है। तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके अच्छा, इंसुलेटर को कैसे बोलेंगे हम लोग? वेरी हाई रेजिस्टेंस, विच डू नॉट अलाउ, हाँ विच डू नॉट अलाउ टू कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि एक हो गया कंडक्टर, एक हो गया कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और एक दूसरा हो गया हमारा इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, ठीक है, या बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात है, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, जहां नहीं है वहां नहीं होता है। ओके तो सेमीकंडक्टर क्या है? दोनों कैसे करेगा, या तो कंडक्ट करेगा या तो नहीं करेगा, दोनों दोनों कैसे करेगा? कैसा कंडीशन? मटेरियल की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो ऐसे ही, रेजिस्टेंस तो पता ही है ना कि अगर कंडक्ट कर रहा है तो रेजिस्टेंस होगा, कम होगा, है ना? बहुत हाई होगा, इनफिनाइट रेजिस्टेंस होगा तो वो नॉन कंडक्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारा, मेरा कहने का मतलब, अच्छा ये चीज बताओ कि कोई एक एटम हम लोग लेते हैं, कोई एक एटम उठाओ, उसके उसका जितना ऑर्बिट है सब पे इलेक्ट्रॉन होगा कुछ ना कुछ, क्या था कुछ था ना, टू एन स्क्वायर, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, अच्छा अंदर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल पे क्या अंतर है? सबसे पास वाला जितना ज्यादा बोल रहा है, बोल रहा है, हाँ हाँ, सबसे पास वाला सबसे तेजी से सबसे दूर वाला, नहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ अच्छा ऐसा नहीं है, जैसे उसका अपोजिट होता है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है ना उसकी उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो
तो होता है क्या है कि किसी एटम में अगर एटम को हीट करो या उसको एनर्जी दो, तो इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जैसे ही एनर्जी एक्स्ट्रा मिलता है तो वो उस सेल में रह नहीं पाता है, उसको अगला सेल में जंप करके जाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम एनर्जी और दे तो वो फिर नेक्स्ट सेल में चला जाता है, ऐसे करते करते वो पूरे के पूरे एटम से फ्री हो जाता है। जब एटम को छोड़ के फ्री हो जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अपने पीछे एक जगह छोड़ के गया ना, हम लोग क्या बोले थे न्यूट्रल एटम है, कोई एटम न्यूट्रल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। तो अगर जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो वो पार्ट, वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो अब नहीं है, तो वहां पे होल क्रिएट होगा और वो होल पूरी कोशिश करेगा कि अगल बगल कोई इलेक्ट्रॉन दिखे तो उसको पकड़ के अपने ऑर्बिट को फुलफिल करे, अदरवाइज वो एटम स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, सेमीकंडक्टर वैसा कंडक्टर है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। हमको पूरा बता ले तो फिर सवाल करना है ना। ठीक है, हाँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो एकदम कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, तो अभी बोले ना किसी तरह का कोई एनर्जी हम देते हैं तो एनर्जी हीट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल को गर्म करना शुरू करते हैं, जैसे गर्म करेंगे तो वैसे ही उसका आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे ही फ्री हो जाएगा और वैसे वैसे बहुत सारा, मतलब हम कोई मटेरियल की बात कर रहे हैं उसमें एटम तो बहुत होगा, तो उस तरह से सारे एटम्स अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जाया करेंगे, फ्री करेंगे तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम उसमें एक पोटेंशियल जब प्रोवाइड करेंगे उससे, तो पोटेंशियल में क्या होगा कि जो जो होल क्रिएटेड था, जो होल था उस होल को फिल करने के लिए बैटरी से इलेक्ट्रॉन आएगा और जो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो ट्रेवल कर जाएगा, तो हम बोलेंगे ना कंडक्शन हो गया। लेकिन ये कब होगा, जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, मतलब एट रूम टेम्परेचर वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, बस यही बात है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज द कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दे आर गुड इनफ गुड कंडक्टर एंड नॉट अ गुड इंसुलेटर। ये गुड कंडक्टर भी नहीं है और गुड इंसुलेटर भी नहीं है। सम सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, बहुत सारा है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनाइड है। ओके, अब सिलिकॉन को देखो, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अगर ये पाया गया कि अगर हम उस सेमीकंडक्टर में अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स बढ़ा पाए तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी। ओके, देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे एक प्योर फॉर्म में मिलता है हमको उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमी मटेरियल, और जो हमारा वो ना गुड कंडक्टर है ना गुड इंसुलेटर है। अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं हम लोग। इम्प्योरिटीज कहने का मतलब, एक तो प्योर मात्र प्योर हमको सिलिकॉन मिल गया, सिलिकॉन प्योर मिल गया तो वो तो ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है। हम उसमें कुछ दूसरा मटेरियल मिलाएंगे, कुछ दूसरा मटेरियल कौन कौन सा मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे सब देखेंगे। कुछ दूसरा मटेरियल हम मिलाएंगे तो दो तरह का सेमी कंडक्टर हम बना पाएंगे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक प्योर है जो नेचर में मिलता है, एक्सट्रिंसिक मिक्स्ड है जो हम बनाते हैं और हम अपने जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस का वो उसमें इंट्रिंसिक यूज करेंगे या एक्सट्रिंसिक यूज करेंगे। एक्सट्रिंसिक यूज करेंगे क्योंकि इंट्रिंसिक हमारे कोई काम का नहीं है।
एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14 एंड इट इज टेट्रावेलेंट एलिमेंट, दैट इज आउटर ऑर्बिट हैज 4 इलेक्ट्रॉन एंड इन द सिलिकॉन क्रिस्टल ऑल एटम्स ऑफ सिलिकॉन कंबाइंस विद देयर 4 नेबरिंग एटम्स बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सो ऑल एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर इट इज हाईली स्टेबल। ठीक है, क्यों कंडक्टिविटी नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मिलता है, उसका एक यहां उसको समझाया गया है कि आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम को उसके इर्द गिर्द 4 एटम चाहिए, 4 एटम चाहिए, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बनाएगा, तो 4 अपना और एक एक चारों का बोरो कर दिए तो 8 मिल गया हमको, 8 मिल गया तो हम स्टेबल हो गए, मेरा ये स्टेबल हो गया, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नेबर इलेक्ट्रॉन, नेबर वाला सिलिकॉन के बारे में सोचो, वो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ एंगेज कर गया था तो 2 हो गया इसका, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन और है, वो 3 अपने नेबर के साथ बॉन्ड बना लेगा, वो भी स्टेबल हो गया। ऐसा करते करते अगर पूरा का पूरा क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करो, तो सारा का सारा मेरा तुमको दिखेगा कि सबको 8 वाला ऑक्टेट, जो 8 इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट बल्ब बनाता है, वो सबका पूरा हो जाएगा और सारा का सारा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी तरह से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे रख दें, चाहिए तो 8 ही ना, 9 तो मिलेगा नहीं, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक तो फ्री हो जाएगा, ठीक। या हम घटा दें, 8 न पूरा होने दें, 8 न पूरा होने दें, कम रखें, तो होल क्रिएट रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो इस दोनों कंडीशन में मेरा कंडक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तुमको तुमको जो चाहिए तुमको मिल गया, है ना, तुम अलादीन का चिराग रगड़े, तुम मांगे कि ये चाहिए, तुमको मिल गया, तुम खुश, और तुमको कुछ चाहिए बना, हमको नहीं चाहिए, हाँ मैडम पूरा संतुष्ट है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो तुम देने के लिए आतुर रहोगे, कम है तो लेने के लिए आतुर रहोगे। यही काम हमको यहाँ पे करना है, यही काम हमको यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे फिगर से समझाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी सिलिकॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल के साथ ये बाइंड हो गया, ये अपने आगे वाले के साथ आगे, सारा का सारा क्रिस्टल, सारा का सारा सिलिकॉन का क्रिस्टल फॉर्म हुआ और सारा मिलके एक कंप्लीट स्टेबल सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री तो दिख नहीं रहा है हमको। हाँ रोहित कुमार पहले वीडियो ऑन करो, अभी तुमको बोले शनिकांत सब लोग वीडियो ऑन करके बात कीजिए। वो सर मेरा आगे का कैमरा खराब है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, कुछ बोलो, पूछना क्या था कि ये जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहा है कि मिडिल वाला जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, लेकिन जो साइड का एक कोई ना कोई तो पार्टिकल होगा, मतलब वो एटम होगा जो सबसे एक्सट्रीम साइड में होगा, वो कैसे कंप्लीट करेगा अपना? अच्छा देखो, ये तो हम फ्लैट सरफेस पे दिखा रहे हैं ना, फ्लैट सरफेस दिखा रहे हैं। अगर ये अगर हम बोले कि ये वाला जो पार्टिकल है इसका 3 पूरा हो गया, चौथा बचा था, इसका भी 3 पूरा हो गया, चौथा बचा था, ये और ये मिलके बंद, इसको ये वाला सबसे लास्ट वाला का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बचा हुआ था, इसको ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, क्रिस्टल ऐसे ही बनता है। यस यस, अच्छा ठीक है, तो मिला जुला के सारा का सारा एटम सेटिस्फाई हो जाएगा, सबको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके ओके, तो अब हमको करना क्या है, यहाँ देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि ऑल्दो सिलिकॉन क्रिस्टल इज हाईली स्टेबल बट ऑन अप्लाइंग लिटिल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेट इनफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड एंड बिकम फ्री एंड बिकम फ्री, सो एट रूम टेम्परेचर इट हैव सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो, जब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बना होल, इसको बोलते हैं होल, जहां इलेक्ट्रॉन था वहां से निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला होल जो है इस इलेक्ट्रॉन के जाने से ये पूरा का पूरा जो एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, या यू बोलो ये ऑर्बिट जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है अभी वो
इलेक्ट्रॉन हंगर के सिचुएशन में आएगा और अगल बगल जाते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके फुलफिल करना चाहेगा अपने ऑर्बिट को। ओके, तब तक क्या हुआ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में मूव कर रहा है, वो किसी होल के पास से जैसे ही क्रॉस करेगा वो कैप्चर कर लिया जाएगा। अच्छा, एक बात और समझो, जहां हम ये कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को इतना इनफ एनर्जी था कि वो ऑर्बिट से बाहर निकल गया, तो क्या उसी एनर्जी लेवल पर फिर ऑर्बिट में उसको ला सकते हैं? फिर लाओगे फिर उछल के निकल जाएगा, खुराफाती हो गया, समझ रहा हूँ, वो खुराफाती बच्चा नहीं होता है, उसको बैठाओ उछल के भाग जाएगा। तो वो तब तक वहां उस होल में एडजस्ट नहीं करेगा तब तक वो घूमते घूमते अपना कुछ एनर्जी लॉस ना कर जाए, लूज ना कर जाए। जैसे ही वो एनर्जी लूज करेगा ऑटोमेटिकली वो उस ऑर्बिट के लायक बन जाएगा और वहां फिर जाकर एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर निरंतर उसको एनर्जी मिलता रहेगा तो वो हाई एनर्जी स्टेट में रहेगा, तब वो उस ऑर्बिट में सेटल नहीं करेगा। हाँ, कुछ पूछ रहे थे तुम? अच्छा, ओके, ठीक है। When free electron moved out hot atom, then there will be a vacancy of one electron. निकल गया जिसको hole बोलते हैं. This vacancy is called hole. Because by moving electron, that atom will lose negative charge, and hence there will be majority of positive charge. So hole is shown as a plus symbol. जब हम hole दिखाएंगे तो plus दिखा देंगे, क्योंकि सब जगह hole दिखना तो संभव नहीं है। तो हम लोग अभी देखेंगे जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस या डायोड सब जगह देखेंगे, तो प्लस जहां लिखेंगे समझना होल है और माइनस जहां लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन है। यस सुधांशु, नहीं आई तुम्हारी आवाज, फिर से बोलो। हम डिजेबल किए नहीं बाबू, हम ऐसा नहीं करते, देखो तुमको दिखा रहे हैं। देखो पार्टिसिपेंट म्यूट ऑल, यहाँ देखो लिखा है ना अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, ठीक है, तुम लोग देख रहे हो ना, ठीक है। तो हम ऐसा कैसे करेंगे, तो हमको तो पता है तुम सवाल करोगे हमसे, अब बहुत बच्चे सवाल कर भी रहे हैं तो हम डिजेबल नहीं कर सकते तुमको, ठीक है। कभी कभी होता है कुछ नेटवर्क इशू के कारण ऐसा होता है, अगर किसी को वीडियो ऑन करने में और माइक ऑन करने में अगर परेशानी हो रही है तो एक बार तुम मीटिंग से लीव हो जाओ फिर दोबारा ज्वाइन करो, हो जाएगा। ये सिर्फ डेटा बैंडविड्थ का कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए, ठीक है सुधांशु। तुम्हारी आवाज तो भी आ रही थी कुछ टूटी टूटी सी। अच्छा, तो होल समझ में आ गया सबको, बिकॉज बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट एटम विल लूज नेगेटिव चार्ज एंड हेंस देयर विल बी मेजरली अ पॉजिटिव चार्ज, सो होल इज शोन एज अ प्लस सिंबल। So conductivity in semiconductor is movement of free electrons and hole. Free electrons and hole. यहाँ से अच्छा तुम construction site पे देखे होगे, बहुत लोग खड़े हैं और ईंटा को कैरी कर रहे हैं। एक तो हुआ ना कि सर पे रख के ईंटा चल गया वहां जाके गिरा दिए फिर लौट के सर पे कैरी, एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये भी देखे हो कुछ लोग खड़े हैं ईंटा को मतलब कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, यहाँ से ईंटा उछाल दी तुम्हारे तरफ, तुम आगे उछाल दी, तुम आगे उछाल दिए और ऐसे करके ईटा पहुंच गया जहां जाना था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जब कंडक्शन होता है तो ऐसा ही होता है, और जो ईटा है वो इलेक्ट्रॉन है और जो पर्सन है वो होल है, पर्सन है वो होल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा तो प्लस भी तो होना चाहिए, होल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को कैरी कौन करेगा, होल भी चाहिए और होल किसको कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ होल है और यहाँ ऑर्बिट है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ इधर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो होल लगेगा ना कि होल यहाँ क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और होल का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो बोलते हैं क्या कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर इज मूवमेंट ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है। Extrinsic semiconductor. We can increase the conductivity of the semiconductor by adding some impurities. It is called doping. ठीक है,
जो हमको नेचर से मिला उसके अंदर कुछ हम मिलाएंगे और उसको मिलाने के बाद हम उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे, या तो हम उसके अंदर होल क्रिएट कर देंगे। होल कैसे क्रिएट होगा? इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो जाएगा तो होल रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देंगे। हम दोनों कंडीशन में हम कंडक्टिविटी को ट्रिगर कर देंगे और उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ये भी एक नंबर का सवाल है, ठीक है, व्हाट इज डोपिंग या हाँ बोल सकते हैं लोग। तो दो तरह का एलिमेंट हम यूज करेंगे, एटम जो है वो यूज करेंगे, दैट इज द ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट एलिमेंट इज एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। बाय एडिंग ट्राइवेलेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड एंड बाय पेंटावेलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड। क्या है ट्राइवेलेंट एलिमेंट एंड पेंटावेलेंट? एग्जैक्टली। अब चार तो था सिलिकॉन में पता है हमको, और उसको हम कंबाइन कर रहे हैं किसी टेट्रावेलेंट के साथ, तो चार इधर तीन उधर, सात हो गया, चाहिए कितना? आठ। तो एक होल रह गया, होल रह गया मतलब पॉजिटिव टाइप हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, बाई यू एडिंग द ट्राइवेलेंट वी मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और पेंटावेलेंट मतलब पांच इलेक्ट्रॉन, चार था, चार चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, चार था चार चाहिए, लेकिन मिला के हो रहा है नौ, तो एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा घर से निकाल दिया जाएगा, जाओ रोड पे घूमो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है पेंटावेलेंट मिलाने से, और टेट्रावेलेंट मिलाने से क्या मिल रहा है? होल मिल रहा है। मिल गया, गुड। तो इस तरह से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। There are three electrons in outer orbit of the trivalent atom. It needs five more electrons to become stable. Trivalent atom में हम लोग aluminium, boron and gallium का इस्तेमाल करते हैं। इस atom के outer shell में हमको तीन electron मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ये aluminium है यहाँ पे और इसके पास तीन electron था और हम लोगों ने सिलिकॉन के साथ इसको बाइंड किया। हम जब डोपिंग करेंगे ना तो उसका कुछ रेशियो होता है, कितना हाईली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड है या मॉडरेटली डोप्ड है, उसके लिए कितना सेमीकंडक्टर में कितना ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट मिलाया जाएगा वो भी एक मैटर है। ऐसा नहीं कि एक मुट्ठी वो लिए, एक मुट्ठी लिए रेत सीमेंट जैसा मिला दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका तीन इलेक्ट्रॉन ये सब इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा, यहाँ पे एक होल रह गया, यहाँ पे एक होल रह गया जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और हमारे कंडक्शन को ट्रिगर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी चीज को समझाया गया, यहाँ पे एल्युमिनियम शेयर फोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग सिलिकॉन एटम एंड हेंस टोटल इलेक्ट्रॉन बिकम 4+3=7 एंड इट मीन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज निगेटिव चार्ज बॉडी दिस एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज, देयर फोर इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट इज कॉल्ड होल। अ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होल एंड मूव टू फिल दिस होल, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन फिलिंग द होल लीव्स अनदर होल बिहाइंड इट। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है ध्यान दो, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन फिलिंग द होल्स लीव्स अनदर होल बिहाइंड इट। अगर मान लो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोले कि वो अगर किसी होल को फिल करता है तो अपने पीछे एक होल क्रिएट भी तो करता है, ठीक है। तो ट्राइवेलेंट, अच्छा जो ट्राइवेलेंट है वो उसके पास होल है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो तरह का एटम हम बनाएंगे, एक्सेप्टर एंड डोनर। डोनर कौन होगा? जिसके पास एक्स्ट्रा है। एक्सेप्टर कौन होगा? जिसको चाहिए। तो होल वाला क्या होगा? एक्सेप्टर होगा ना, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर। ये भी एक नंबर का सवाल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेंटावेलेंट को समझते हैं। ये देखो हम सेमीकंडक्टर का बेसिक है, तो इसमें सबको लगता है कि
90% लोग जानते होंगे, प्लस टू में पढ़े होंगे, मैट्रिक में पढ़े होंगे, ये तो बहुत बहुत ऑब्वियस सा चीज है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना। अब इसको यूज करके हम लोग को डायोड बनाना है। डायोड भी पढ़े होगे आपको लगता है, तुम लोग पढ़े हो सेमीकंडक्टर डायोड। तो देयर आर फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ पेंटावैलेंट एटम, इट नीड ओनली थ्री मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो पेंटावैलेंट में कौन कौन सा है? आर्सेनिक है, एंटीमोनी एंड फास्फोरस है, ये तीन है जिसके आउटर सेल में पांच इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। अब हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं पेंटा, यहाँ पे फास्फोरस लिए हैं, इसके पास टोटल पांच इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन तो अपने नेवर सिलिकॉन को चार दे दिया, एक बच गया उसके पास एक्स्ट्रा, और चार दिया तो कोवेलेंट वन बनाया, तो फास्फोरस को भी तो उसका एक मिल गया, मतलब हम तो हाथ पकड़ लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो गया बॉन्ड कम्प्लीट। ठीक है, तो फास्फोरस को भी चार था और चार मिल गया आठ, एक तो एक्स्ट्रा हो गया उसके पास, तो यही है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं भाई यूजिंग पेंटावैलेंट। ठीक है, बट देयर वॉज टोटल नाइन इलेक्ट्रॉन, इट नीड ओनली एट इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स देयर इज अ सरप्लस ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन, दिस सरप्लस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, and there are surplus electron that is free electron, so it is called negative type or n type, pichla wala tha p type, matlab positive type, ye ho gaya negative type, jo ki electron ki adhikta hai yahan pe, electron ki adhikta hai, number of proton electron barabar hota hai pata nahi, these free electrons become mobile when an electrical voltage is applied, pentavalent impurity is called donor। अच्छा ये क्या लिखा है, सेकंड लास्ट वाला पॉइंट को समझाओ तुमको, हम लोग बोल रहे ना कि दिस फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम मोबाइल व्हेन एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाइड, हम उसको बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा ना, और वो पोटेंशियल क्रिएट होगा तो वो ड्रैग करेगा इलेक्ट्रॉन को, तब मूवमेंट शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसे तो रैंडमली तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही, स्थिर तो रहेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसके पास एनर्जी है तो वो रैंडमली मूव करेगा। ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन में मूव करेगा तब तो कंडक्शन होगा मेरा, सब रैंडमली मूव करेगा। अच्छा ये मान लो कोई मेटल लेते हैं हम लोग, तो उसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही है तो क्या हमको उस मेटल को छूने पर करंट लगता है? नहीं लगता, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, एक डायरेक्शन में मूव करेगा तब वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, जैसा हम लोग कहां देखे थे, हम लोग देखे थे कैपेसिटर के डायलेक्ट्रिक में देखे थे, ये सारा का सारा जो आयन था एक साथ अलाइन हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां पे एक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। ठीक है, यहाँ पे वही बात है कि अगर हम उस मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को अगर अलाइन कर दें तो वहां पे कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर का, पी एंड एन जंक्शन, पी एंड एन जंक्शन कहने का मतलब पी टाइप और एन टाइप अच्छा देखो तुम लोग जो चैट करते हो ना, चैट प्राइवेट होना चाहिए, एवरीवन के साथ नहीं होना चाहिए, जिसको तुम चैट कर रहे हो है? उसको करो तुम। ठीक है, और यहाँ पे जो जवाब देना है हम देंगे, तुम लोग को एक दूसरे को जवाब दी देना है, ये सवाल हमसे है, हम चैट देखेंगे तुमको रिप्लाई करेंगे, डोंट गिव सजेशन। ठीक है, पी एन जंक्शन का मतलब क्या बोले, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन, जंक्शन मतलब दोनों जहाँ पे कंबाइंड होगा, जो इंटरफेस है दोनों जहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइन टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, देखो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ओके, पी टाइप में हम लोग प्लस में दिखाते हैं क्योंकि होल दिखाना होता है, और एन टाइप में हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इसलिए माइनस दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम दिखा रहे हैं तुमको प्लस और माइनस, ये जो है ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, तो बन गया जंक्शन,
ये हमारा एन है तो पेंटावेलेंट आइटम में लाया गया है, और ये होल है तो ट्राइवेलेंट आइटम इसके अंदर मिलाया गया है. ओके, तो व्हेन पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर एंड हाउ इट इज फॉर्म, ये सवाल है. इसका जवाब, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू अचीव द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द बोथ. इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड टू ए एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ऑब्वियस सवाल है कि ये जंक्शन के बारे में तुमसे पूछा जाए. ठीक है, शॉर्ट नोट्स में या छोटे सवाल में या फिर किसी लंबे सवाल का एक पार्ट हो सकता है वो डायग्राम के साथ. हाँ अच्छा, एक बात ध्यान देना कि जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा इसका, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी हो चाहे हम यहाँ हो, लिखित एग्जाम जब तुम्हारा होगा तो तुमको सर्किट बनाना डायग्राम बनाना ये बहुत जरूरी है. ठीक है, प्रैक्टिकल डायग्राम, हाँ डायग्राम. ठीक है, तो उसको बनाना सही है. अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और सेमीकंडक्टर पूछ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि 5 नंबर तुम्हारे जवाब पे है और 5 नंबर डायग्राम पे है. इसका प्रैक्टिकल सिलेबस पे तो नहीं है प्रैक्टिकल. तुम लोग एक्चुअली है क्या, तुम लोग आईटी के हो स्टूडेंट, जितना प्रैक्टिकल हो तुम्हारा आईटी बेस होगा, सारा प्रोग्रामिंग का डेटाबेस का सारा तुम्हारा प्रैक्टिकल है. इसके बारे में है कि तुमको पेपर है, तुमको तो कुछ जानना है. प्रैक्टिकल होगा सिलेबस में होता तो हम लोग जरूर कराते प्रैक्टिकल. वैसे DIY अगर इंटरेस्ट होगा तो DIY कर सकते हैं, करा भी सकते हैं. हाँ तो नहीं, वो ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं है. ठीक है, वो तुम लोग का आप देखेंगे, अभी तो नया नया पढ़ाई शुरू हुआ है तो तुम लोग का अभी इंटरेस्ट दिख रहा है, कुछ दिन में तुम लोग इंटरेस्ट लूज कर जाओगे. अगर नहीं करोगे तो हम लोग करेंगे. ठीक है, हम तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल देखेंगे, अगर बरकरार रहा तो हमको भी इंटरेस्ट है तो, और DIY करने में भी हमको अच्छा लगता है, तुम लोग को अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं किया जाएगा. ठीक है, ओके. Electrons and holes of p and n regions are attracted to each other. Due to this attraction, some of electrons jump to n to p and some of holes from p to n. ठीक है, तो ऐसा है कि ये वाला टॉपिक जो है ना, ये एक राउंड में हम क्लियर करना चाहेंगे. अभी टाइम नहीं है पूरा का पूरा एक बार भी क्लियर करना. तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उससे अगर कुछ सवाल है, कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर करते हैं. कुछ अगर कॉपर एल्युमिनियम कोई भी अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो सब में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या रैंडमली किसी तरह से ऐसे कर रहा है? रैंडमली किसी तरह से फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है कि हम जैसे ही उसको एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सारा इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करना शुरू करता है. मोबाइल मतलब मोबाइल है ना, मैं तुम्हारा सेलफोन के बारे में नहीं बात कर रहा. चलंत हो जाता है, मूव करना शुरू हो जाता है अगर हम उसको कोई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो. समझ में आ रही बात? क्योंकि है क्या. हाँ रोहित सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि ये सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन ही सबसे बेस्ट क्यों है, कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? सिलिकॉन ही सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर कहलाता है, कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है सेमीकंडक्टर? हाँ नहीं, देखो बता रहे थे, देखो सेमीकंडक्टर में सब बहुत सारा सेमीकंडक्टर जो अलग अलग पर्पज में हम यूज करते हैं. ठीक है, कुछ सेमीकंडक्टर है जिस जो सस्ता है और उसका कुछ दूसरा तरह का उसका प्रॉपर्टीज है. तो हम लोग अभी डायोड पढ़ेंगे ना, तो डायोड को दिखाएंगे तुमको कौन कौन सा डायोड किस किस सेमीकंडक्टर को यूज करके बनता है और क्यों वही सेमीकंडक्टर यूज करते हैं. ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज सही में सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन हमारे नेचर में बहुत बहुत आयात में मिलता है. ठीक है, लेकिन बहुत सारा ड्रॉबैक भी है सिलिकॉन वाले सेमीकंडक्टर में. अगर डायोड की बात करो
तो हम लोग अभी बोलेंगे ना रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में बात करेंगे या फिर जेनर डाइवर्ट के बारे में, जेनर ब्रेकडाउन की बात करेंगे। ऐसा बहुत सारा चीज है जहां पर सिलिकॉन फेल हो जाता है, तो उस कंपोनेंट के लिए हम लोग सिलिकॉन को कंसिडर नहीं करते हैं, दूसरा बेटर सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे। एलईडी तो वो यूज करते हो, ठीक है, एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है, दैट इज डायोड। डायोड क्या है, पीएनएन जंक्शन है, ठीक है, डायोड इज नथिंग बट पीएन जंक्शन, हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। लेकिन पीएन जंक्शन अगर हम डायोड को सिलिकॉन से बनाएंगे तो वो लाइट इमिट नहीं करेगा, ठीक है, yes, वो लाइट इमिट नहीं करेगा। तो ऐसा ही है, बहुत सारा सेमीकंडक्टर है जो अलग अलग काम के लिए उसका जो स्पेशल प्रॉपर्टीज के कारण, उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के कारण उसको अलग से यूज किया जाता है, ठीक है। तुम देखे होगे जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो डायोड, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं करता है, फिर भी मांग के चलते प्रोड्यूस करता है। तो क्या वो सिलिकॉन यूज करेंगे तो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। सोलर प्लेट अलग है, सोलर प्लेट अलग है, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ डायोड, है ना। और कुछ सवाल? तू क्या बोले? सरप्लस इलेक्ट्रॉन, सरप्लस इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हम पेंटावैलेंट मिलाए तो 5 इलेक्ट्रॉन था ना उसके आउटर में, और सिलिकॉन में 4 था, तो 5 और 4 मिला दिए, तो जो पेंटावैलेंट एलिमेंट था फॉस्फोरस, तो बोला ना कि अपना वाला 4 को हमको दोगे, तो बोला हाँ देंगे, एक तौर पर तुम भी अपना 4 हमको दो, तो दोनों 4-4 शेयर कर लिया, 4 मेरे पास था, 4 उधर से मिल गया, 8 हो गया, हम अपना तकिया लगा के सुत गए, निश्चित हो गए, ठीक है, स्टेबल हो गए। उधर फॉस्फोरस के पास 5 था, ठीक है, 4 हम दे दिए तो 9 हो गया, तो बोला कि 8 हमको हो गया, वो भागो, वो एक्स्ट्रा है, घर से उसको निकाल दिया, वो भी अपना तकिया लगा के सुत गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो घर के बाहर आ गया ना, तो सरप्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। और पीछे करें सर, इसी बात है सर, फॉस्फोरस के पास 5 है, तो सर सिलिकॉन से उसको सिर्फ 3 ही रखे, तो 5 पहले से है, 5 है ना, तो इसीलिए 4 हम अपना लिए और 4 बाहर से ले लिए, सर उसके पास 5 पहले से है, तो 3 ही लेना चाहिए, 3 नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी, कोवेलेंट बॉन्ड हम बना रहे हैं, तो मेरे पास 5 है, 4 सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन को 4 चाहिए था ना, सिलिकॉन को तो 4 चाहिए था, समझ रहे बात को, तो सिलिकॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, 4 सिलिकॉन के, 4 सिलिकॉन एलिमेंट फास्फोरस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो फास्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन तो एंगेज हो गया ना, यस सुनो, हो गया, तो उसका 4 और कोवेलेंट बॉन्ड के कारण अगला 4 हो गया, तो फास्फोरस के पास 1 एक्स्ट्रा बच गया, ऐसे कंसिडर करो। या फिर हम ऐसे करें कि हमको मेरे पास 3 था, सॉरी 5 था और हमको 3 चाहिए था, तो हमको 3 चाहिए था, तो 5 × 3 = 8, और हम एक और सिलिकॉन क्रिस्टल को साथ में बाइंड करेंगे, तब हमको एक फिर भी एक एक्स्ट्रा बचेगा, तो वैलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है, ठीक है, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हमको फ्री मिल जाएगा। क्लियर, एनी डाउट किसी को? सोडियम के केस में, हाँ, सोडियम के पास लास्ट में एक होता है इलेक्ट्रॉन, होता है ना आउटर, हाँ, ठीक है, वो स्टेबल होने के लिए एक दे देता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सर जैसे कि आप बता रहे वो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है, सोडियम तो एक केस देके नोबल हो गया, हाँ, तो कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो सर जैसे कि आप बोले कि इलेक्ट्रॉन लेगा, होल क्रिएट होगा वहां पर जैसे आउटर बॉक्स में, बिल्कुल, सर ये कैसे हो रहा है, वो स्टेबल भी होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन भी लेना चाहता है, जो सोडियम के केस, अच्छा, सोडियम, सोडियम आयन में और नंबर ऑफ ऑर्बिट बताओ, 3 ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में नंबर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 होगा, तो 1 है, तो थर्ड ऑर्बिट में 1 होगा, तो ऐसा ही वो तो स्टेबल हो ना गया, सर उसको नोबल स्टेबल होना चाहता है, मतलब एक लूज करना पड़ेगा आर्गन नियॉन का कॉन्फिगरेशन पाने के लिए, उसको एक लूज करना होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसके आउटर मॉक्सल में भी एक होल क्रिएट हुआ होगा, हाँ बिल्कुल, तो सर हम कह रहे हैं तो अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ऐसे ही वो तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए हो गया ना, तो सर तो फिर उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया,
एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो हट गया, छूट गया, हाँ फिर वो सोडियम बन गया जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, हाँ बिल्कुल। फिर वो लूज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। देखो सोडियम का केस तुम क्या कर रहे, नहीं समझ में यहाँ पे जो हम रहा है वो समझ में आया तुमको? हाँ, यहाँ समझ में आया ना, ठीक है। तो सोडियम के बारे में तुम क्या कर रहे हो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा होगा और जो हम लोग एटॉमिक वेट से और जो निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं इस एटम का, उसको हम लोग निकालते हैं कितने ऑर्बिट में है, हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है और जैसे हर एनर्जी लेवल भी फिक्स है हर हर इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट में। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जाएगा वैसे से उसका एनर्जी बढ़ेगा, वैसे से एनर्जी बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, वहां से फ्री होगा। जैसे ही फ्री होगा हर इलेक्ट्रॉन हर एटम जो है वो उस अपने आप को उसी स्टेट में रखना चाहता है जिस स्टेट में उसको नेचर ने बनाया है, मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल मेरा काम है कि हम उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हम कर दे और उसका बेनिफिट उठा लें, ठीक है। तो सोडियम के केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है और लूज कर देगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो उसका जो टेंडेंसी रहेगा वो हमेशा उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का रहेगा, ठीक है ना। चलो फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। और ठीक है चलो, ओके मिलते हैं, बाय बाय।